हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है योगा एजुकेशन के लिए, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, एडमिशन नोटिस 2023 फॉर डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स। ये वन ईयर का जॉब ओरिएंटेड ग्रेजुएट्स के लिए डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स होता है, इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के लिए। जो डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स है, इसके सैंपल पेपर के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो बताए जाएंगे 2023 इंट्रेंस एग्जाम के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, बीएससी योगा, एमएससी योगा और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी, इंटेंट, एससीयूईटी, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य सभी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा, बीएड, पब्लिक हेल्थ, फॉरेन लैंग्वेजेस और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि बताया गया था, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में एडमिशन नोटिस आ चुका है डिप्लोमा इन योगा साइंस डीवाई एससी फॉर ग्रेजुएट्स के लिए। वन ईयर ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो ये 12 जुलाई 2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट होगी सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 4 अगस्त 2023 टिल 4:30 PM तक है। और इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होना है ये 14 अगस्त 2023 14 अगस्त 2023 को एंट्रेंस एग्जाम होना है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा डिप्लोमा इन योगा साइंस के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके जो सैंपल पेपर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे IYD 2023। जो इंटरनेशनल योगा डे 2023 है इसकी थीम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए योगा फॉर पीस, बी योगा फॉर ऑल, सी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, डी योगा फॉर यूनिटी। तो करेक्ट आंसर है इसका आंसर सी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। जो थीम है इंटरनेशनल योगा डे 2023 की वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे 2023 की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इसका एक्सप्लेनेशन है, 2023 योगा डे थीम फोकसेस ऑन योगा फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज एंड रिलीजन। तो जो 2023 योगा डे की थीम है वो फोकस करती है योगा फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज एंड रिलीजन। तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। जो पहला इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो इसका आंसर है 21 जून 2015। 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था। क्वेश्चन थ्री है, विच इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25th of June 2023। तो इस बार जो 21st of June 2023 को कौन सा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है? इसका आंसर है 9वां जो इंटरनेशनल योगा डे है ये सेलिब्रेट हुआ है 21 जून 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 हाउ मेनी कोसास डू ह्यूमंस हैव एज पर द योगिक सिस्टम। योगिक सिस्टम के अनुसार जो ह्यूमंस हैं उनमें कितने कोस होते हैं? आंसर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर है आंसर डी, 5। तो हाउ मेनी कोसास डू ह्यूमंस हैव एज पर द योगिक सिस्टम, योगिक सिस्टम के अनुसार ह्यूमंस में कितने कोसास होते हैं? करेक्ट आंसर है 5। इसका एक्सप्लेनेशन है, एज पर द तैत्तिरीया उपनिषद एंड एंशियंट टैंट्रिक योगा टेस्ट, ह्यूमन बीइंग इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग 5 सीड्स और कोस। तो जो एज पर तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जो एंशियंट टैंट्रिक योगा टेस्ट उसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसको डिस्क्राइब किया गया है एज हैविंग 5 सीड्स और कोस। इसमें 5 सीट्स या कोस होते हैं। क्वेश्चन 5 है, नेम द आसना इन विच द वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा। उस आसन का नाम बताना है जिसमें कि वेस्ट और आर्म्स एक कोबरा की तरह दिखते हैं।
ऑप्शन दे रखे हैं ए भुजंगासना, बी अर्धचक्रासना, सी वक्रासना, डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भुजंगासना। तो नेम द आसना इन विच द वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा, जो वो आसन जिसमें कि वेस्ट और आर्म्स कोबरा की तरह लगते हैं वो है भुजंगासना। इसका एक्सप्लेनेशन है भुजंगासना इज नोन एज द कोबरा पोज, भुजंगासना को कोबरा पोज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है कर्म योगा इज अ ब्रांच ऑफ योगा बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टेस्ट। कर्म योगा एक ब्रांच है योगा की जो बेस है टीचिंग ऑफ विच टेस्ट, किस टेस्ट की टीचिंग पे। ऑप्शन है अष्टवक्रा संहिता, भगवत गीता, हठ योग प्रदीपिका, वेदास। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भगवत गीता। कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योगा बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टेस्ट, करेक्ट आंसर है भगवत गीता। इसका एक्सप्लेनेशन है कर्म योगा इज द योगा ऑफ एक्शन ऑफ वर्क, स्पेसिफिकली कर्म योग इज द पाथ ऑफ डेडिकेटेड वर्क, इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट योगा, योगा के बारे में कौन से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ऑप्शन ए योगा इज प्रैक्टिस सिंस एंशियंट इंडिया, इट इज फिजिकली फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ऑप्शन बी द योगा वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ऑप्शन सी योगा मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइसनेस और अलर्टनेस। ऑप्शन डी ऑल द अबव आर करेक्ट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के बारे में बताना था योगा के बारे में कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है योगा इज प्रैक्टिस सिंस एंशियंट इंडिया, इट इज फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो योगा जो प्रैक्टिस किया जाता है एंशियंट इंडिया से और ये फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। द योगा वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत, योगा वर्ड जो है ये संस्कृत से लिया गया है। योगा मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइसनेस। तो योगा का मीन्स है ज्वाइन या यूनाइट करना, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ बॉडी और कंसाइसनेस को और अलर्टनेस को। तो ये तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है योगा इज प्रैक्टिस सिंस एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया से योगा प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज अ फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो ये फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। फ्रॉम संस्कृत द वर्ड योगा इज ड्राइव्ड, योगा मीन्स टू ज्वाइन, तो संस्कृत से जो योगा वर्ड है ये संस्कृत से लिया गया है। और योगा का जो मीन्स होता है ये होता है टू ज्वाइन और यूनाइट, ज्वाइन करना या यूनाइट करना, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइसनेस और अलर्टनेस। तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ बॉडी को और कंसाइसनेस और अलर्टनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये एट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा, योगा के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर है महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि इज नोन एज द फादर ऑफ योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा, मॉडर्न योगा फादर ऑफ मॉडर्न योगा के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर है टी कृष्णामाचार्य, टी कृष्णामाचार्य को फादर ऑफ मॉडर्न योगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022, जो पिछले साल जो इंटरनेशनल योगा डे 2022 हुआ है उसकी थीम क्या थी। इसका आंसर है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान के प्रेजिडेंट कौन है। आंसर है इसका द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति। आंसर है इसका जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। आंसर है इसका आर वेंकट रमनी, जो आर वेंकट रमनी जी हैं ये वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। He succeeded to the office as the 16th Attorney General. तो ये 16वें Attorney General हैं और इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से Attorney General of India के रूप में ज्वाइन किया है आर वेंकट रमनी जी ने। His predecessor was K.K. वेणुगोपाल, इससे पहले जो Attorney General of India थे वो K.K. वेणुगोपाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कौन है। इसका आंसर है तुषार मेहता, तुषार मेहता इज दी
प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के जो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो तुषार मेहता जी हैं। द सॉलिसिटर जनरल वर्क अंडर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं अटॉर्नी जनरल के अंतर्गत वर्क करते हैं। द ड्यूटीज ऑफ द सॉलिसिटर जनरल आर लेड आउट इन लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987। क्वेश्चन 15 है, हु इज द प्रेजेंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल सीएजी कौन है इंडिया के। आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी प्रेजेंट में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया है। एज्यूम्ड ऑफिस एज द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 8 अगस्त 2020। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने कैग के रूप में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में 8 अगस्त 2020 को ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वर्तमान में भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है। आंसर है मनोज पांडे इज द करंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। जो मनोज पांडे जी हैं ये अभी वर्तमान में जनरल ऑफ इंडियन आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो वर्तमान में भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये मनोज पांडे जी हैं। हु टुक ओवर द ऑफिस ऑफ द COAS ऑन अप्रैल 30, 2022। इन्होंने 30 अप्रैल 2022 से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS के रूप में ज्वाइन किया है। तो वर्तमान में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये मनोज पांडे जी हैं। क्वेश्चन 17 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वर्तमान में जो एयर स्टाफ चीफ कौन है भारत के। तो आंसर है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सिंस 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 से विवेक राम चौधरी जी प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। क्वेश्चन 18 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ। जो अभी प्रेजेंट में जो नवल स्टाफ के चीफ है वो कौन है। आंसर इसका एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार 30 नवंबर 2021 से प्रेजेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं। क्वेश्चन 19 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वर्तमान में भारत के जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। इसका आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ही हैज बीन सर्विंग इन द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में सर्व कर रहे हैं एज इलेक्शन कमिश्नर सिंस September 1, 2020। तो ये 31 सितंबर 2020 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम कर रहे हैं राजीव कुमार जी। ही इज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री। ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है देश के। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द प्रेजेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन। वर्तमान में जो ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो इसका आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है। ही इज द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के। द लास्ट चेयरमैन ऑफ NHRC वाज जस्टिस HL दत्तू। जो पिछले इसके चेयरमैन थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो जस्टिस HL दत्तू से। हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर ऑन 2nd December 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज द प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन। तो यहाँ बताना है जो प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन कौन है। आंसर है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी जो प्रेजेंट नेशनल कमिश्नर ऑफ कमीशन ऑफ फॉर वुमेन है इसके चेयरपर्सन है। एज्यूम द चार्ज ऑफ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑन अगस्त 7, 2020 2018। तो उन्होंने चेयरपर्सन जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो चेयरपर्सन के रूप में अगस्त 7, 2018 से ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो वर्तमान में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC कौन है। इसका आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी प्रेजेंट में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सिंस 7 नवंबर 2020। 7 नवंबर 2020 से यशवर्धन कुमार सिन्हा जी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है CIC। क्वेश्चन 23 है, हु इज द प्रेजेंट 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। तो वर्तमान में जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। आंसर है एनके सिंह इज द प्रेजेंट और 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। क्वेश्चन 24 है, हु इज द प्रेजेंट इजरो चेयरमैन। इजरो के वर्तमान के चेयरमैन कौन है। आंसर है एस सोमनाथ जी प्रेजेंट में इजरो के चेयरमैन है सिंस 15 जनवरी 2022। 15 जनवरी 2022 से जो इजरो के चेयरमैन है वो एस सोमनाथ जी हैं। क्वेश्चन 25 है, हु इज द प्रेजेंट सेबी चेयरमैन। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
आंसर है मधबी पुरी बच, मधरी पुरी बच जीत, जिन्होंने टुक चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑन 1 मार्च 2022, 1 मार्च 2022 से सेबी के चेयरमैन के रूप में इन्होंने चार्ज लिया है, रिप्लेसिंग अजय त्यागी। से पहले जो चेयरमैन थे वो अजय त्यागी थे, हुज टर्म एंडेड ऑन 28 फरवरी 2022। मधबी पुरी बच इज दी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, सेबी के जो पहली वुमेन चेयरपर्सन है वो मधबी पुरी बच जी हैं। क्वेश्चन 26 है, हु इज दी प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है धनंजय भाई चंद्रचूड़, धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ही वाज सॉर्न इन एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 9 नवंबर 2022, तो 9 नवंबर 2022 से ये धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के चीफ कौन है, आंसर है रवि सिन्हा, रवि सिन्हा जी रॉ के चीफ हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। ही टेक चार्ज फ्रॉम समंत कुमार गोयल, हुज 4 ईयर टेन्योर एज द हेड ऑफ द एजेंसी एंड्स ऑन जून 30। क्वेश्चन 28 है, हु इज द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के वर्तमान के चीफ कौन है, आंसर है तपन देखा, तपन देखा जी जो कि सर्विंग सिंस 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से आईबी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफ सीबीआई, सीबीआई के वर्तमान के चीफ कौन है, आंसर है प्रवीण सूद, प्रवीण सूद जी सीबीआई के चीफ हैं सिंस 25 मई 2023, 25 मई 2023 से। क्वेश्चन 30 है, हु इज द प्रेजेंट टीआरएआई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन, वर्तमान में भारत के जो टीआरएआई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, आंसर है पीडी बघेला, पीडी बघेला इज द प्रेजेंट टीआरएआई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वर्तमान में वो पीडी बघेला जी हैं। क्वेश्चन 31 है, हु इज द प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है सीबीसी, आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं सिंस 28 दिसंबर 2022, 28 दिसंबर 2022 से। क्वेश्चन 32 है, हु इज द प्रेजेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, वर्तमान में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो कि यूनाइटेड नेशंस में कौन है भारत के, आंसर इसका रुचिका कंपोज, सिंस 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 से रुचिका कंपोज जी वर्तमान में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है यूनाइटेड नेशंस में। क्वेश्चन 33 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया सीसीआई, जो प्रेजेंट चेयरमैन है कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया सीसीआई वो कौन है, आंसर है रवनीत कौर, रवनीत कौर इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन मिसेज रवनीत कौर ज्वाइन द कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज चेयरपर्सन ऑन 23rd मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, नीति आयोग की फुल फॉर्म है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका आंसर है सुमन बेरी, 1 मई 2022 से नीति आयोग के जो वर्तमान में वाइस चेयरमैन है ये है सुमन बेरी जी। क्वेश्चन 35 है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आंसर है नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है ये नीति आयोग का चेयरमैन होता है। क्वेश्चन 36 है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, आंसर है सीईओ नीति आयोग श्री बीबीआर सुब्रमण्यम, बीबीआर सुब्रमण्यम जी वर्तमान में नीति आयोग के चीफ इलेक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बीबीआर सुब्रमण्यम ज्वाइंट एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग ऑन 25th ऑफ फरवरी 2023, तो ये 25 फरवरी 2023 से नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। क्वेश्चन 37 है, हु इज द प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, वर्तमान में जो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, इसका आंसर है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी जो कि 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। क्वेश्चन 38 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीआई के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है, आंसर है देवाशीष पांडा, 15th ऑफ जून 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, आंसर है रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई जी चेयरमैन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जून 2022 से।
क्वेश्चन 40 है, चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की चीफ कौन है? आंसर है दिनकर गुप्ता, जून 2022 से। नेक्स्ट है चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ के जो चीफ है वो कौन है? आंसर है अनिल धस्माना। क्वेश्चन 42 है, हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो कौन है? आंसर है अजीत डोभाल, 30 मई 2014 से, 30 मई 2014 से अजीत डोभाल जी। तो अजीत डोभाल जी 30 मई 2014 से प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो प्रेजेंट चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के वो है श्री विजया संपला। विजया संपला जी प्रेजेंट में चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। क्वेश्चन 44 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन के चेयरमैन कौन है? आंसर है हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? आंसर है मनोज सोनी, 5 अप्रैल 2022 से। क्वेश्चन 46 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आंसर है जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये चेयरमैन होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन 47 है, हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में जो भारत के लोकसभा स्पीकर कौन है? आंसर है ओम बिरला, ओम बिरला जी वर्तमान में भारत के लोकसभा के स्पीकर हैं सिंस 19 जून 2019 से जो भारत के वर्तमान के लोकसभा के स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं। क्वेश्चन 48 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के वर्तमान के चेयरमैन कौन है? आंसर है एस किशोर, एस किशोर इज द चेयरमैन ऑफ द एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर कमीशन। क्वेश्चन 49 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के वर्तमान के चेयरमैन कौन है? आंसर है एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार इज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ही इज प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी दिल्ली। तो ये वर्तमान में चेयरमैन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के और प्रोफेसर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली में। क्वेश्चन 50 है, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? आंसर है एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरेस सिंस 1 जनवरी 2017 से जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है वो है एंटोनियो गुटरेस। तो इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मोराजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोराजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस, BSc योगा, MSc योगा और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एस वैसा बैंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा, BEd, पब्लिक हेल्थ, फॉरेन लैंग्वेजेस और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट लेना चाहते हैं वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।